मौज मस्ती। अजंता की गुफाएं कला का उत्कृष्ट नमूना। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के उत्तर में शहर से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी द्वारा शिकार खेलते समय की गई थी। ये गुफाएं मूर्तिकला और भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं घने जंगलों से घिरी घोड़े की नाल के आकार की घाटी में अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनी है। अजंता गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 6ठी-7वीं शताब्दी के बीच किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं का चित्रण किया गया है। गुफाओं की दीवारों पर अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से पूरी दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं। इसमें अनेक प्रकार की फूल पत्ती, वृक्ष, पशु तथा ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं पर आधारित हैं। इन चित्रों की चमक 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद आज भी कलाकारों को आश्चर्य में डालती है। अजंता में कुल 29 गुफाएं निर्मित हैं। इन गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। चावल के मांड, गोंद, कुछ पत्तियों तथा अन्य वस्तुओं के सम्मिश्रण से आविष्कृत रंगों से ये चित्र बनाए गए हैं। चित्र बनाने से पूर्व दीवार को भलीभांति रगड़कर साफ किया जाता था और फिर उसके ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता था। सूखने के पश्चात चित्र उकेरे जाते थे। अजंता की गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अद्भुत एवं प्रशंसनीय है। एक अन्य चित्र में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके संग शिशु राहुल सोया हुआ है। बुद्ध उन्हें देख रहे हैं, परंतु उस दृष्टि में मोह ममता नहीं बल्कि उनका अंतिम त्याग अंकित है। गुफा 17 में माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र है। महान चित्रकारों की अलौकिक कला को देखकर हृदय उनके प्रति श्रद्धा और आनंद से भर उठता है। अजंता की गुफाओं का वर्तमान में रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये गुफाएं भारत के उन्नत व समृद्ध अतीत की धरोहर हैं। सन 1983 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया है।